10 लाख की अवैध शराब। होली के त्योहार के मद्देनजर बागपत जिले में पुलिस शराब तस्करों पर शिकंजा कसने में जुटी हुई है, जिसके चलते कोतवाली बड़ौत पुलिस ने बिनौली पुलिस चौकी के पास चेकिंग के दौरान एक आयशर कैंटर को पकड़ा है, जिसमें पुलिस ने 10 लाख रुपए कीमत की 165 पेटियां अंग्रेजी शराब बरामद की है। हरियाणा से शराब की तस्करी कर ला रहे एक शराब तस्करों को भी पकड़ा है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए तस्करों के गैंग के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार करने के प्रयास में जुटी है। दरअसल आपको बता दें कि कोतवाली बड़ौत पुलिस को मुखबिर से शराब तस्करी होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस दिल्ली यमुनेत्री हाईवे पर व मेरठ बड़ौत हाईवे पर सघन चेकिंग कर रही थी। तभी इस दौरान पुलिस ने शराब से भरे एक कैंटर को पकड़ लिया, जिसमें हरियाणा से तस्करी कर मेरठ के रास्ते से बिहार ले जाई जा रही 10 लाख की अवैध अंग्रेजी शराब की 165 पेटियां बरामद की हैं। वहीं पुलिस ने मौके से एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए शराब तस्करों के गैंग के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। सर क्या मामला है, क्या कितने दारू सर? दारू क्या है, अवैध शराब है जो हरियाणा से अक्सर अवैध परिवहन होता रहता है। ये बिहार साइड में और अन्य जगहों पर उत्तर प्रदेश में भी जाती रहती है। उसमें एक कैंटर पकड़ा गया आयशर, जिसमें आगे केबिन बना करके शराब ले जाते थे। कुछ सूचना ऐसी थी जिससे चेकिंग हुई बिनौली रोड चौकी जो है, इसमें 165 पेटी शराब लगभग 10 लाख रुपए की पकड़ी गई है। इसमें मुकदमा पंजीकृत करके और ये कौन इसका मालिक है, कौन बेचता है, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होनी होती है रैकेट में और कौन कौन लोग शामिल हैं, इस संबंध में इसकी और विवेचना और जानकारी की जा सर कितने आदमी हैं दारू जो पकड़ी गई है, जो कहीं से पकड़ी गई है? तो ड्राइवर और गाड़ी पकड़े गए हैं, बाकी पूछताछ करते हैं, क्योंकि अक्सर जो लोग रहते हैं इसके पीछे बड़े छद्मवेश में रहते हैं। जी सर, कहाँ से ले आ रहे थे, किस जगह ले जा रहे थे? हरियाणा साइड से ले आ रहे थे और ले जा रहे थे बिहार साइड में।